सभी को गुड इवनिंग जोहार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर फाउंडेशन में और रात के नौ बज चुके हैं झारखंड जीके का आप लोगों का टेस्ट चल रहा है मॉडल टेस्ट नंबर टू है आज कल का सेशन आप लोग जो लोग ज्वाइन जो किए थे उन लोगों को पता ही होगा आज मॉडल सेट नंबर टू है और आज मैं पूरा जे का जो पैटर्न होता है उसके अनुसार ही चालीस प्रश्नों का ये सेट लेकर आए हूँ ठीक है जिसमें आप लोगों को झारखंड से अभी मतलब झारखंड के सभी फील्ड से झारखंड का इतिहास हो भूगोल हो इकोनॉमिक्स हो हो योजना हो, है ना उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी से मैंने प्रश्नों को संकलित करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ झारखंड के करंट अफेयर को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया है तो आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए जिसके पास ओ एम सीट है वो लोग ओ एम सीट लेके बैठ जाइए और चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं ठीक है चलिए आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कल लगभग साढ़े तीन सौ लोग जुड़ गए थे ना कल साढ़े तीन सौ लोग आज संख्या ये चार सौ प्लस होनी चाहिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग इस संख्या को चार सौ प्लस जरूर पहुंचाइएगा और जितने भी लोग अभी तक जुड़ गए हैं अपना अपना हाजिरी बना लीजिए लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए ठीक है दोस्तों सभी को जोहार जो, जो लोग अभी जुड़े हैं जोहार गुड इवनिंग नमस्कार चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करियर फाउंडेशन में मॉडल सेट नंबर टू में मॉडल टेस्ट नंबर टू में झारखंड जीके में ठीक है दोस्तों जो लोग करियर फाउंडेशन के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जहां पर आपको जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी की अन्य परीक्षाएं जेपीएससी प्रीलिम्स मेंस और सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है ठीक है और ना केवल तैयारी कराई जाती है आपको सिलेक्शन तक भी पहुंचाया जाता है आप हमारे रिकॉर्ड पिछला देख सकते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान है ये लगभग 200 से 250 स्टूडेंट प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए थे जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े थे हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे थे चाहे वो पेड बैच के माध्यम से हो चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो सभी मिलाकर के 200-250 स्टूडेंट प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए थे ठीक है तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान ये प्रीलिम्स में है में। सी का होगा तो देख लीजिएगा तो चलिए दोस्तों आज के की करते हैं। किसी भी तरह अगर आपको जानकारी चाहिए होगी कोर्स के रिगार्डिंग तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल नंबर है सेवन जीरो सेवन जीरो एट जीरो टू ट्रिपल एट इसमें आप पूरी जानकारी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग ले सकते हैं ठीक है चलिए शुरुआत करें आज के सेशन की यह हमारी किताब झारखंड जी के की उम्मीद करते हैं सब लोग ले लिए होंगे आप लोग को बताया गया था ले लीजिए तैयारी इससे बहुत करिए बहुत अच्छे से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का तैयारी झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर डैश में अवस्थित है ठीक है चलिए सभी लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दीजिएगा झारखंड राज्य जो है भारत के मानचित्र में कहां पर अवस्थित है सभी लोगों को कमेंट करना है चलिए जवाब दीजिए सभी लोग आसान सा क्वेश्चन है सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं कहां पर होगा पश्चिमी भाग पूर्वी भाग दक्षिणी भाग या फिर उत्तरी भाग देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा ठीक है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा पूर्वी भाग में ठीक है ऐसे उत्तर पूर्व भी बोला जा सकता है उत्तर पूर्व भी बोला जा सकता है लेकिन यहां पे ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए पूर्वी भाग इसका करेक्ट आंसर होगा सभी लोगों का आंसर आ गया होगा वेरी गुड अगला है झारखंड के कुल कितने जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं सभी लोग बताइए झारखंड के ऐसे कितने रा, कितने जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं कितने ऐसे जिले हैं दोस्तों बताइए सभी लोग देखिए अब लोग झारखंड का मैप वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे बनाने आ? जानते हैं ना कुछ इस प्रकार का मैप होता है झारखंड का तो इसमें दोस्तों पूछा यह जा रहा है कितने जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं तो इतना तो आप लोग को स्पष्ट पता होगा कि कॉर्नर वाले जिलों तो करते ही हैं जैसे कि आपका यहां पर कॉर्नर में क्या है गढ़वा है क्या है गढ़वा है यहां पर कॉर्नर में क्या है साहेबगंज है यहां पर कॉर्नर में क्या है सिमडेगा है ठीक है यहां पर कॉर्नर में क्या है पूर्वी सिंहभूम है ये चार तो कंफर्म हो गया चार तो कंफर्म हो गया लेकिन केवल चार ही नहीं है इसके अलावा यहां पर एक जिला दुमका भी है दोस्तों जो कि दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बिहार के साथ भी पश्चिम बंगाल के साथ भी ठीक है उसके अलावा दोस्तों एक और है कितना आप लोग का आंसर आया है जितने भी लोग हमारे सिक्स आंसर कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है ठीक है उन सभी का क्या है बिल्कुल सही उत्तर है छह जिले ऐसे हैं झारखंड के जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं ओके? कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए वेरी गुड अब ये छह जिले कौन कौन से हैं? ये भी आप लोग को पता होना चाहिए ना बोलो पता होना चाहिए कि नहीं तो पता तो होना ही चाहिए ठीक है बता देता हूं रुको छह जिले जो है दोस्तों जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं उसमें है आपका गढ़वा जो तीन के साथ करता है आपका साहेबगंज साहेबगंज जो है वो किसके साथ दो के साथ करता है आपका सिमडेगा दो के साथ करता है सिमडेगा दो के साथ करता है उसके बाद आ जाओ आप पूर्वी सिंहभूम भी दो के साथ करता है है ना सराय केला खरसावा भी, भी दो के साथ करता है ओके और दुमका भी दो के साथ करता है दुमका भी कितने के साथ दो के साथ करता है ठीक है सबका क्लियर हो गया गढ़वा जो है तीन के साथ करता है बिहार इसमें शामिल है इसमें यूपी है और छत्तीसगढ़ है ठीक है क्या है छत्तीसगढ़ साहेबगंज में बिहार हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा ओके सिमडेगा में क्या होगा भाई इसमें आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा ओके okay? उड़ीसा पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन सा एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा ठीक है उड़ीसा सरायकेला में भी यही हो जाएगा पश्चिम बंगाल उड़ीसा दुमका में हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल सभी का क्लियर हो गया साथियों सभी का क्लियर हो गया ना चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है देखिए और सभी लोग आंसर कीजिए टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है मुंड मुंडल मुरंड या मुरुंड टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई देखो टॉलमी ने झारखंड को जिस नाम से संबोधित किया साथियों आप लोग को पता होगा बताइए जल्दी से मुंडल क्या हो जाएगा टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है ठीक है अगर मुंड की बात करें तो ये विष्णु पुराण में है किस में है विष्णु पुराण में है अगर हम मुरंड की बात करें तो ये किस में है वायु पुराण में है अगर हम मुरुंड की बात करें तो ये किस में है समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है प्रयाग ठीक है तो ये सभी याद रखिएगा मुंडल जो है वो किसके द्वारा तो टॉलमी यहां से चार सवाल आप लोग का बन गया एक ही सवाल लाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि झारखंड शब्द का उल्लेख किस किस चीज में किया गया है सबसे पहले किसमें किया गया है फिर बाद में किसमें किस किया गया है ठीक है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल है आठवीं शताब्दी के अभिलेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं आठवीं शताब्दी के अभिलेख जो हैं निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं जितने भी लोग जुड़े बता दे पीडीएफ इसका फ्री अवेलेबल है इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे कल का जो सेशन हुआ था उसका भी पीडीएफ मैंने डाल दिया है करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे ठीक है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा किसमें टेलीग्राम पे मगर पीडीएफ केवल पढ़ने से आपको उतना फायदा नहीं होता जितना क्लास करने से होता है। आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं हैं जब जुड़े रहते हैं तो आपको दिमाग में चीजें याद होती है ठीक है इसलिए मैं कहूंगा कि क्लास जरूर अटेंड कीजिए क्लास ज्यादा लाभकारी होता है पीडीएफ की तुलना में पीडीएफ उसका 50 परसेंट भी लाभ नहीं देगा जितना क्लास देगा ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों आठवीं शताब्दी के अभिलेख इनमें से कहां से मिले हैं सभी लोग का आंसर आना चाहिए बहुत लोग आंसर कर भी रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं सी कुछ लोग बोल रहे हैं डी जल्दी बताइए होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा दूध पानी ठीक है आठवीं शताब्दी के अभिलेख कहां से मिले हैं दूध पानी से मिले हैं ठीक है चलिए सभी लोग का क्लियर है दूध पानी हजारीबाग से आठवीं के अभिलेख जो है, वो प्राप्त हुए हैं ठीक चलिए अगला सवाल अगला सवाल है निम्न में से किस स्थान से एक सिंह मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मिलता जुलता है बताएं कहां से मिला है ये जो सांची के स्तूप में सिंह शीर्ष है ना उसी से मिलता जुलता सिंह शीर्ष है ये कहां से मिला है आप लोग को कमेंट करना है आप लोग कमेंट भी करिएगा अपना पेपर पेन भी लेके बैठिएगा वहां भी आप लोग अपना आंसर लिखिएगा और लास्ट में क्या है अपना अपना नंबर बता दीजिएगा कि 40 सवाल में आपका कितना सही हुआ 40 सवाल मतलब 120 नंबर है ठीक है एक सवाल में एक नंबर माइनस ये करते जाइएगा और लास्ट में मुझे बता दीजिएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हाँ। सभी लोगों का यहां पर भी करेक्ट आंसर आ रहा है पलामू है ना और आप लोग पलामू के अंदर सुने होंगे मूर्तिया गांव का नाम ठीक है मूर्तिया गांव मूर्तिया गांव का नाम सुने होंगे यहां से सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से, से मिलता जुलता हुआ एक सिंह शीर्ष मिला है ठीक है एक आप लोग हनुमान का भी नाम सुने होंगे वो किस धर्म से संबंधित है बताइए याद है सबको जी कॉपी में आंसर कर रहे हैं बढ़िया है बात है चलिए तो क्लियर हो गया ये बात कोई दिक्कत नहीं है ना नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें एक आठवीं प्रदेश था इसमें झारखंड भी शामिल है अशोक के किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों कमेंट कीजिए सभी लोग कमेंट कीजिए चलिए वेरी गुड हनुमान गांव जैन धर्म से संबंधित है मूर्तिया गांव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है।, है ना वेरी गुड बहुत बढ़िया तो दोस्तों अशोक के किस शिलालेख में अशोक के समीवर्ती राज्यों की सूची मिलती है उसमें एक आटविक प्रदेश है और आटविक प्रदेश में झारखंड भी शामिल था समझे झारखंड का भी क्षेत्र शामिल था तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जिसका भी आंसर सी आ रहा है शिलालेख ते, ते, नंबर तेरह अशोक का जो तेरहवा शिलालेख था उसमें उसके राज्यों की उसके नजदीकी राज्यों की सूची थी समीपवर्ती राज्यों की सूची थी उसमें आटविक प्रदेश भी था और आठवी प्रदेश जो है उसके अंदर झारखंड भी था नेक्स्ट सवाल निम्न में से आज के किस स्थान पर हर्षवर्धन चीनी यात्री हेंगसांग से पहली बार मिला और उससे प्रभावित हुआ निम्न में से आज के किस स्थान पर चीनी यात्री हेंग सांग जो है वो अशोक हेंग सांग जो है वो हर्षवर्धन से ठीक है पहली बार मिला था हर्षवर्धन चीनी यात्री हेंग सांग से पहली बार मिला था और उससे प्रभावित भी हुआ था ठीक है शेयर कर दीजिए साथियों और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए बहुत ही टाइम लगता है एक सेट क्वेश्चन सेट करने में और हर दिन मैं आप लोग को 40-40 सवालों का सेट करवा दूंगा आप लोग का झारखंड जी के बारूद हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए आप लोग का भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा थोड़ा शेयर कीजिए सभी लोग शेयर करने मत शर्माइए शेयर कीजिए लाइक कीजिए है ना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए ठीक है क्या होगा दोस्तों जिसका भी करेक्ट आंसर है राजमहल जो भी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है ठीक है किस स्थान पर हर्षवर्धन जो था ना हर्षवर्धन वो हेन सांग से पहली बार जहां पर मिला था वो राजमहल था दोस्तों और राजमहल के बारे में कल के क्लास में भी हम चर्चा किए थे है ना राजमहल की पहाड़ी है है ना और साहेबगंज जिले में स्थित है इस क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो आपको मिट्टी की अगर बात करें तो यहां पर आपको काली मिट्टी मिलेगी जहां चना की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है है ना राजमहल में पक्षी बिहार भी, भी है झील पक्षी बिहार पढ़े होंगे आप लोग है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल है किस नागवंशी राजा के समय में वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी बताइए किस नागवंशी राजा के समय वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी प्रताप राय छत्रकंद दुर्जन शाह या फिर यदुनाथ शाह चलिए सभी लोग आंसर बताइए वेरी गुड जिनका भी आंसर छत्र आ रहा है सभी का करेक्ट है जिनका भी आंसर आ रहा है छत्र उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है साथियों ठीक है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अगला सवाल है रामगढ़ नरेश तेज सिंह जो राजकुल की दूसरी शाखा के शासक थे ने अपनी शासन का संचालन किस स्थान से किया था रामगढ़ नरेश तेज सिंह जो थे सत्रह से 80 के बीच में ये राजकुल की दूसरी शाखा के शासक थे ठीक है ये अपने शासन का संचालन किस स्थान से किए थे तो पता होगा आप लोगों को जल्दी से बताइए कहां से किए थे रामगढ़ राज की सेकंड लास्ट राजधानी उसी समय में राजा थे आंसर हो जाएगा इचाक से ठीक है अगर आपसे पूछा जाए तीसरी शाखा अगर आपसे सवाल में यह पूछ दिया जाता कि तीसरी शाखा के जो संस्थापक तीसरी शाखा के जो राजा थे शासक थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह ब्रह्मदेव नारायण सिंह ब्रह्मदेव नारायण सिंह सिंह तीसरी के थे ये पदमा से संचालित किए थे पदमा जो हजारीबाग में अभी यहाँ पर पुलिस का प्रशिक्षण होता है जो जेपीएस वाले होते हैं झारखंड पुलिस सर्विस डीएसपी एसडीपीओ है ना उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है पदमा में इसी यही राजा के किले के निकट ही होती है तो याद रखिएगा दूसरी शाखा के शासक थे तेज सिंह जो इचाक से संचालित कर रहे थे तीसरी शाखा के शासक थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो कि पद्मा से संचालित कर रहे थे किस पंचायत राजा ने मुगल बादशाह सा द्वारा पराजित होने पर अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था बढ़िया सवाल है बताइए सभी लोग महेशपुर से हैं नरुल्लम मंडल जी जी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चलिए वेरी गुड सभी लोगों का आंसर आना चाहिए फटाफट क्वेश्चन नंबर के साथ अपना अपना आंसर चढ़ाते जाइएगा अपने पेपर पेन में लास्ट में आपको 40 में स्कोर भी बताना है और मैंने कल आप लोग को बोला था कि आज का जो क्वालिफाइंग थर्टी फाइव क्वेश्चन है पैंतीस में से चालीस में से पैंतीस क्वेश्चन जो सही करेंगे वो क्वालिफाई माने जाएंगे आज के सेशन में ठीक है तो ईमानदारी से कीजिए ईमानदारी से बताइएगा कम आए तो भी दिक्कत नहीं है लेकिन करिएगा ईमानदारी से ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वीर नारायण सिंह क्या हो जाएगा वीर नारायण सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचेत राजा ने मुगल बादशाह द्वारा पराजित होने पर अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था उस राजा का नाम था वीर नारायण सिंह अगला सवाल अगला सवाल है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ सब जानते हैं उस समय पुरहाट पर किसका शासक था बताइए सभी लोग उस समय पोरहाट पर किसका शासक था झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ उस समय पोरहाट पर किसका शासन था सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का I don't know. यहाँ पर आंसर आ रहा है सिंह राजाओं का है ना सभी लोग का आंसर आ रहा है जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए ना अरे भाई केवल देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होता है ना इंटरनेट किसी के पास पहले आता है किसी के बाद बाद में आता है ठीक है तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं कुछ लोग बाद वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं ठीक है तो आगे पीछे आंसर आता था मुझे पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे बताइए चलिए सभी लोगों का यहां पर आंसर सही है सिंह राजाओं का ठीक है जिस समय जो प्रवेश हुआ था मतलब कह सकते हैं झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था सिंहभूम की ओर से हुआ था उस समय वहां पर सिंह राजाओं का जो है शासन चल रहा था ठीक अगला देखिए झारखंड विषयक समिति के संयोजक किसे मनोनीत किया गया झारखंड विषयक समिति का संयोजक किसको मनोनीत किया गया था सभी लोग कमेंट करें सभी लोग कमेंट करें चलिए बताइए झारखंड विषयक समिति कमिटी ऑन झारखंड मैटर है ना कमिटी ऑन झारखंड मैटर इसके संयोजक बनाए गए थे दोस्तों बी एस लाली जिसका भी आंसर ए आ रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है बी एस लाली इसके संयोजक बनाए गए थे ठीक है बी एस लाली इसके संयोजक बनाए गए थे नेक्स्ट सवाल है झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन था झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध है ना अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन सा था चुआड़ विद्रोह ढाल विद्रोह घटवाल विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह बताइए सभी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन सा था कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ढाल विद्रोह ठीक है झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला जो पहला विद्रोह था वो कौन सा था ढाल विद्रोह था कमेंट कीजिए ढाल विद्रोह कब हुआ था ठीक है बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए ढाल विद्रोह कब हुआ था तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है कंपनी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकूट को भेजा था इस आंदोलन में पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजी सेना की मदद की थी तिलका मांझी भागकर लोहरदगा के पहाड़ियों में जा छिपे थे इनमें से सभी कथन सत्य है आपको क्या करना है भाई गलत कथन की यहाँ पर पहचान करनी है ठीक है गलत कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है चलिए वेरी गुड सत्रह वेरी गुड सत्रह सड़सठ से सतहत्तर वेरी गुड देखिए कंपनी सरकार अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकोट को भेजी थी सही है भाई इस आंदोलन में पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजी सेना की मदद की थी आप लोग जानते होंगे कि पहाड़िया सरदार था जौराह कल भी बताए थे हम इसके बारे में जौराह इसी ने तिलका मांझी को पकड़वाया था है ना तीसरा जो है तिलका मांझी भागकर लोहरदगा के पहाड़ियों में जा छिपे थे देखो भाई तिलका मांझी जा करके छापामार युद्ध पहाड़ियों से चला जरूर रहे थे लेकिन वो लोहरदगा की पहाड़ी नहीं थी दोस्तों ये सुल्तानगंज की पहाड़ी थी ठीक है सुल्तानगंज की पहाड़ी थी इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट जो है वो गलत कथन है गलत कथन की आपको पहचान करनी है तो यहां पर लोहरदगा नहीं होकर क्या हो जाएगा सुल्तानगंज हो जाएगा अगला देखिए राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है सभी लोग कमेंट करेंगे सवाल नंबर पंद्रह का सभी लोग उत्तर दीजिएगा होगा तो अभी लेटेस्ट अगर 2021 का डेटा को देखिएगा क्योंकि तेईस वाला अभी आया नहीं है 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखिएगा तो उन्तीस दशमलव सात प्रतिशत करेक्ट आंसर होगा ठीक है उन्तीस दशमलव सात प्रतिशत दो के डेटा के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा उसमें भी सबसे ज्यादा वन अगर बात कीजिएगा प्रतिशत में तो लातेहार अभी भी बना हुआ है ठीक है सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में और क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम अगला सवाल है निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाठ प्रदेश कहा जाता है निम्न में से किसके सम्... बी ऑप्शन यहां पर है ठीक ना बी ऑप्शन इधर है देखिएगा यहां से बी ऑप्शन है इधर किसके सम्मिलित रूप को पाठ प्रदेश कहा जाता है बताइए किसके सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा जाता है जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी से एक बार आग, फिर से आग्रह होगा कि सभी लोग लाइक बटन को जो नहीं दबाया दबा दीजिएगा चलिए सभी का सी आंसर जिनका भी करेक्ट है पलामू लोहरदगा गुमला लातेहार है ना इसी के सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहते हैं और पाट प्रदेश जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है एक हमारे कोई मित्र जो है राजेश करके वो कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर जी जो कल आपने बताया कि सबसे बड़ा भूभाग रांची का पठार है हजारीबाग का पठार भी तो सेम ही है तो वो हाइट समझ लिए थे इसलिए वो कंफ्यूज हो रहे थे मैं कमेंट का रिप्लाई भी किया लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रांची का पठार बड़ा है दोस्तों है ना हम हाइट के हिसाब से बात नहीं कर रहे थे हाइट के हिसाब तो से तो पाट प्रदेश सबसे ऊंचा हो गया ना है कि नहीं पाट प्रदेश सबसे ऊंचा हो गया इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पार्ट का नाम कल भी हम डिस्कस किए थे जो है उसके बाद आपका गणेशपुर है जमीरा पार्ट है ये सब महत्वपूर्ण पाट है ऊंचे ऊंचे ठीक है अगला सवाल है दोस्तों निम्न कत्नों पर विचार करें बूढ़ा घाघ जलप्रपात जलप्रपात सदनी घाघ जलप्रपात और घगरी जलप्रपात किसका निर्माण रांची के पठार से उद्गम नदियों पर हुआ है ठीक है इनमें से किसका निर्माण रांची के पठार से उद्गम नदियों पर हुआ है बताइए बूढ़ा घाघ हु सदनी घाघ घगरी चलिए बताइए सारे लोग जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग आंसर कीजिए अपना अपना भी पेन पेपर चलाते रहिएगा ठीक ना क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा ये जितने भी जलप्रपात है दोस्तों बूढ़ा जलप्रपात सबसे ऊंचा है झारखंड का सबको पता होगा सबसे ऊंचा है ये ठीक है हुंडरू जलप्रपात जो है वो सेकेंड नंबर पर है, है ना ये आपका रेखा नदी पर है स्वर्ण रेखा पर है आप लोग बताइए सदनी घाघ और घगरी ये दोनों जलप्रपात है कहां कहां कमेंट कीजिए सभी लोग रिवाइज़ दिमाग में चलते रहना चाहिए रिवीजन, है ना? रेगुलर इसलिए मैं पढ़ाते रहता हूँ रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहता हूं ताकि दिमाग में आपका चलता रहे दिमाग से उतरे नहीं है ना चलिए तो डी आंसर सबका करेक्ट आ गया है दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना निम्न में से कहा है बताइए दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना निम्न में से कहा संख नदी स्वर्णरेखा नदी दामोदर नदी या इनमें से कोई नहीं बताइए सभी लोग दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना इनमें से कहां है मतलब किस में जाकर के मिल जाती है दक्षिणी कोयल नदी तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों दक्षिणी कोयल का मुहाना जो है वो संख नदी में है ठीक है तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट है ए आंसर जिनका भी आ रहा है उन सभी का करेक्ट है दक्षिणी कोयल का मुहाना जो है साथियों वो संख नदी है अगला है बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों बलचौरा जलप्रपात जो है वो झारखंड के किस नदी पर स्थित है चलिए वेरी गुड बहुत अच्छे जितने भी लोग हमारे मित्रों का कन्हर नदी आंसर आ रहा है उन सभी का सही है कन्हर नदी का जो बहाव है झारखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिले में है ठीक है छत्तीसगढ़ से यह नदी आती है उत्तर प्रदेश में जा करके मुहाना बनाती है लेकिन झारखंड में केवल गढ़वा नदी में बहती है और इसी कन्हर नदी पर जो है बलचौरा जलप्रपात स्थित है ठीक है अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए बारा मसिया गर्म जल कुंड पाकुड़ जिले में है रानी बहल गर्म कुंड मोर नदी पर दुमका में है लाडला उदय पाकुड़ में बोरू बोरू नदी पर स्थित है सीपुर सोता गर्म जल कुंड पाकुड़ में स्थित है निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान करना है इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आप लोगों को बताना है साथियों ठीक है गर्म जल कुंड के बारे में ये सवाल है सभी लोग बताइए गलत कथन छाटना है ना आप लोगों क्या होगा कोई गलत नहीं है सब सही है इनमें से कोई भी गलत नहीं है है ना बारा मसिया गर्म कुंड पाकुड़ में है दोस्तों रानी बहल गर्म जल कुंड मोर नदी पर दुमका में है लाडला उदय पाकुड़ में बोरू नदी पर है और सीपुर सोता गर्म जल कुंड पाकुड़ में है ठीक है क्लियर है चलिए अगला सवाल झारखंड की कौन सी मिट्टी नीसी एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है इसलिए कम उपजाऊ होती है देखो प्रीवियस ईयर करवाते हैं तो बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर मत करवाइए है ना जब प्रीवियस ईयर नहीं करवाते हैं तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर करवाइए करवा दिए भाई बहुत करवा दिए प्रीवियस दम नहीं है प्रीवियस ईयर के सवालों में ठीक है हर साल एग्जाम होता ना तब दम रहता इतना साल से एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग थोड़ा भरोसा रखिए मेरे ऊपर हम जो करवाएंगे आपके लिए फायदेमंद होगा अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा ठीक है प्रीवियस ईयर कराना कितना जरूरी मुझे पता है ठीक है जरूरी नहीं होगा तो नहीं कराएंगे जरूरी होगा तो करवाएंगे अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा ठीक है थोड़ा सा भरोसा रखिए प्रीवियस ईयर में अगर हम जेएसएससी के सवालों की ओर जाते हैं तो एक दो एग्जाम जो दो दरोगा का और थोड़ा बहुत राजस्व कर्मचारी दरोगा और ये आईआरबी का छोड़ दिया जाए तो एकदम लॉलीपॉप सवाल दिया उसको करने से क्या फायदा होगा आपको हम्म दरोगा थोड़ा ठीक था इसलिए करवा दिए कुछ कुछ सेट और उसको भी हम बीच बीच में लाके करवा देंगे ठीक है तो उतना मत दिमाग लगाइए जितना करवा रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल का सवाल करवा रहे हैं इसको कीजिए एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है सब सब एग्जाम में आने लायक सवाल है ठीक है तो क्या होगा लाल मिट्टी और आप लोग को पता होगा झारखंड में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाया जाता लाल मिट्टी ही पाया जाता है और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बने होने के कारण ये कम उपजाऊ होता है झारखंड में स्थित अभ्यारण्यों में कौन सा अभ्यारण सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तारित है सबसे ज्यादा तो आप लोग को पता होगा साथियों कि सबसे जो बड़ा अभ्यारण्य है वो पलामू अभ्यारण है है ना सबसे बड़ा कौन सा है पलामू अभ्यारण है सबसे छोटा पूछा जा रहा है पर, ठीक है सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ अभ्यारण दोस्तों तो आप को पता होगा कि उधवा झील पक्षी बिहार जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला अभ्यारण है झारखंड में टोटल ग्यारह वन्य जीव है उसमें से सबसे छोटा उधवा झील पक्षी बिहार है जबकि आपका सबसे बड़ा पलामू वन्य जीव अभ्यारण है ठीक अगला सवाल है निम्न में से कौन सी जनजातियां अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियां नहीं है, है ना उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियां इनमें से कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है यानी कि एक ऐसी जनजाति इसमें जो अपने को उच्च हिंदू नहीं मानती है हां बाकी सब मानती है उच्च हिंदू या राजपूत मानती है ठीक है तो दोस्तों आप लोग को पता होगा पढ़े होंगे भी आप लोग को ठीक है जनजाति चैप्टर तो यूट्यूब में फ्री में पढ़ाए हैं है, तो आप लोग जनजाति चैप्टर का पूरा सीरीज यूट्यूब पे फ्री देख सकते हैं ठीक है लगभग दस बारह लेक्चर है सब पढ़ा दिए हैं दोस्तों बेदिया बिंजिया चेरो ये सभी तीनों जनजातियां अपने आप को क्या मानती है अपने आप को राजपूत मानती है अपने आप को उच्च हिंदू मानती है करमाली को छोड़कर तो जिनका भी डी आंसर आया सबका करेक्ट है।, है बाकी बेदिया, बिंजिया, चेरो, सभी अपने आप को उच्च हिंदू यानी कि राजपूत का सर्वाधिक प्रचलित रूप में निम्न में से कौन सा है उराव जनजाति में विवाह का सबसे प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है सभी जनजातियों में अलग अलग तरह का विवाह होता है दोस्तों आप लोग कई तरह के विवाह का नाम सुने होंगे है ना राजी खुशी विवाह सुने होंगे आयोजित विवाह सुने होंगे हठ विवाह सुने होंगे कई तरह के विवाह जनजातियों में होते हैं है ना तो उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है ये पूछा जा रहा है तो बताइए आयोजित होगा सेवा विवाह होगा राजी खुशी होगा हरण विवाह होगा है ना तो उरांव जनजाति का जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह कौन सा है आयोजित विवाह जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है ठीक है सभी का क्लियर है चलिए अब एक बार फिर से अब से आपसे आप सभी अनुरोध होगा कि 300 लोग जुड़ गए हैं तो सब लोग एक एक बार लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा साथियों चलिए नेक्स्ट देखिए महाल माल पहाड़िया जनजातियों में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है बताइए माल पहाड़िया जनजातियों में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है माल पहाड़िया जनजाति जो है दोस्तों माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया ये सब कहां पे हैं? मुख्यतः साहेबगंज क्षेत्र में आपको मिलेंगे राजमहल क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों में है ना और इनका बधु मूल्य बधु मूल्य जो कहलाता है बंदी कहलाता है साथ ही साथ बंदी के अलावा पोन भी कहलाता है ठीक है हालांकि आप लोग को पता होगा संथाल जनजाति में भी कहते हैं लेकिन माल पहाड़िया जनजाति में भी पोन और बंदी दोनों कहलाता है जो बधु मूल्य होता है उसको ठीक है अगला है निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया और 2019 में उसे पूरा मतलब किया गया ठीक है पूरा होना था या पूरा हुआ कह सकते हैं कौन सी परियोजना है जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी लोग चलिए वेरी गुड 26 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा क्या होगा अजय बराज परियोजना काफी टाइम लगा है दोस्तों इसमें. 1975 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी बनने की है ना और 2019 में पूरा होने का लक्ष्य था है ना तो काफी लंबे समय तक चलने वाला यह परियोजना निर्माण है याद रखिएगा एल का क्लास लेना है सर ले लीजिए ना तो इसमें पूछना क्या है पूछना है तो ऑफिशियल नंबर पे पूछिए ठीक है क्लास के बीच में ये सब जानकारी नहीं दे सकते हम ऑफिशियल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें आप पूछ सकते हैं स्क्रीन में जो नीचे चल रहा है उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है चाईबासा के बर्जा मुंडा गुआ से लिमटू एवं बड़ा जागदा से नोवा मुंडी उपरोक्त धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है ये सब एरिया का नाम दिया हुआ है चायबासा का बरजामुंडा हो गया गुआ से लिमटू का क्षेत्र हो गया एवं बाड़ा जागदा से नोवा मुंडी का क्षेत्र हो गया ये सब किस धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों तो आप लोग को पता होगा किस क्षेत्र में धात्विक खनिज ही मिलता है और ये जो क्षेत्र दिया हुआ है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ठीक है ये सब जो क्षेत्र है किसके लिए है मैगनीज लोहा नहीं होगा गलत है लोहा गलत है ये मैगनीज में सबसे ज्यादा इस एरिया में है ठीक है केवल नोवा मुंडी देखे तो मैं मार दिए लोहा। चलिए आइए की ओर अगला सवाल है दोस्तों टंगस्टन झारखंड के किस जिले में पाया जाता है टंगस्टन जो है वो झारखंड के किस जिले में पाया जाता है कैसा जा रहा है टेस्ट आप लोग का अभी तक टेस्ट कैसा जा रहा है झारखंड जीके का सवाल जिनका अभी तक अच्छा जा रहा है 35 का स्कोर पार करने वाले हैं तो आप लोग अपना अपना थम्सअप करके बताइए कमेंट में चलिए ठीक है क्या होगा हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन जो कहां पे हजारीबाग हो जाएगा टंगस्टन किस जिले तो में पाया जाता है तो हजारीबाग में पाया जाता है टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है टाटा स्टील जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ष 1907 में स्थापना हो गई थी है ना स्थापना हुई थी वर्ष 1911 सौ ईस्वी में क्या हुआ लोहे का उत्पादन शुरू हुआ वर्ष 1914 सौ ईस्वी में क्या हुआ इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ यानी स्टील का वर्ष 1948 ईस्वी में क्या हुआ आपका टाटा मोटर है ना यानी टेलको की स्थापना हो गई देखिए ऐसे तो दोराब जी टाटा ने स्थापित किया था 1907 में लेकिन चूंकि ये जो कंपनी है यह जो टाटा स्टील है ये, ये जमशेद जी नसरवान जी टाटा की सोच थी हालांकि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा की मृत्यु 1904 में ही हो गई थी लेकिन उन्हीं के सोच का यह नतीजा था कि टाटा कंपनी स्थापित हुई इसलिए वास्तविक संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को माना जाता है ठीक है वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को वास्तविक संस्थापक माना जाता है ठीक है लेकिन 1907 में जिसने स्थापना किया है वो है आपके दोराब जी टाटा ठीक अगला सवाल सिंद्री उर्वरक कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं सिन्द्री उर्वरक कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा क्या आंसर आ रहा आप लोग का तीस का क्या आ रहा सी तीन गलत है भाई गलत है गलत है आप लोग का तीन नहीं होगा सिंद्री उर्वरक कारखाना की बात की जा रही है कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं ठीक है सभी लोग बताइए चलिए जिनका भी ए आंसर आया पांच सबका करेक्ट है ठीक है ये पांच सबका करेक्ट है दोस्तों इस पांच प्लांट की अगर हम बात करें किस किस चीज की प्लांट है तो यहां पर अमोनिया का है सल्फेट का है पावर प्लांट है गैस प्लांट है अमोनिया अमोनिया प्लांट हो गया सल्फेट प्लांट हो गया पावर प्लांट हो गया गैस प्लांट हो गया और ओवन कोल प्लांट हो गया ठीक है याद रखिएगा सभी लोग कोक ओवन ओवन कोक ये पांच प्लांट आपको सिंदरी के अंदर मिलेगा दोस्तों सिंदरी में पांच प्लांट स्थापित है बाकी सिंदरी कल के सवाल में कल के सवाल में बिहार था तो वहां भी हम डिटेल में डिस्कस किए थे ठीक है चलिए वेरी गुड क्या हुआ कबूतर उड़ा दिया सर <laughs> क्या बोलते हैं जी झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता निम्न में से कौन थे सभी क्षेत्र से मैंने सवाल लेने की कोशिश की है है ना सभी क्षेत्र से मैंने सवाल लेने की कोशिश की है आज के सेशन में तो आप लोग जो हैं इस टेस्ट को जितना बेहतर तरीके से दीजिएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा कल भी टेस्ट लेंगे आप लोग का क्या होगा दोस्तों मंगलमय बनर्जी ठीक है झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता जो हैं वो कौन थे मंगलमय बनर्जी थे महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है ठीक है राज्य सरकार का वकील होता है या मुख्य न्यायिक सलाहकार होता है मुख्य न्यायिक सलाहकार होता है ठीक है जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं अटोर्नी जनरल उसी तरह तो राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं पलामू जिला के मेदनी नगर में स्थित शाहपुर चांदनी का किला का निर्माण किस चेरोवंशी शासक ने किया है बताइए शाहपुर चांदनी किला जो है पलामू में उसका निर्माण किस चेरोवंशी शासक के द्वारा किया गया है बत्तीस सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं अभी तक स्कोर कैसा रह रहा है आप लोग का थोड़ा जिनका कम है थोड़ा बढ़ा लीजिए अगले आठ सवाल में क्या होगा गोपाल राय इसका करेक्ट आंसर है ठीक है अगला झारखंड में की जाने वाली किस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है झारखंड में की जाने वाली किस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है चलिए कमेंट देख रहा हूं आप लोग का बताइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिख रहा ना जी धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है किस चित्रकला में तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जिनका भी सी आ रहा है प्रजापति चित्रकला उन सभी का करेक्ट है, है ना प्रजापति चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए वेरी गुड सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों इस लाइव सेशन को सिद्धू को फांसी निम्न में से किस स्थान पर दिया गया था सिद्धू कानू जो थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव है ना तो उसमें सिद्धू को कहां पर फांसी मिला था यह पूछा जा रहा है आप लोगों को बताइए सभी लोग देखिए सिद्धू को जो फांसी मिला था वो था बरहैत में है ना बरहैत बरहैत में सिद्धू को फांसी मिला था दोस्तों ये पड़ता है साहेबगंज में है ना ये जो क्षेत्र है बरहेत ये साहेबगंज में पड़ता है बरहेत विधानसभा भी है हेमंत सोरेन विधायक हैं के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने विषयों में लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे ये काफी महत्वाकांक्षी योजना हेमंत सोरेन सरकार की है इस यो इस योजना का खूब नाम लेते हैं हेमंत सोरेन है ना इसमें आप लोग को बताया गया है पहले भी कई बार हम पढ़ाए हैं कि इसमें दस विस, दस जो है दस यूनिवर्सिटी चयनित है जिसमें कि झारखंड के विद्यार्थियों का वहां पर एडमिशन होता है उच्च शिक्षा के लिए मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत और इसमें जो विषय की संख्या है ना पूछा गया है विषय की संख्या तो ये 22 है ठीक है कितना है 22 है विषय की संख्या क्लियर हो गया सभी का चलिए वेरी गुड अगला सवाल है दोस्तों मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितने से अधिक लोगों को पशुधन योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है बताइए सभी लोग जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक लाख इकहत्तर हजार का परिवार करियर फाउंडेशन का हो चुका है इस परिवार को जल्दी दो लाख पहुंचाइए ठीक है? दो लाख पहुंचाइए जल्दी से सभी लोग मिलकर के एक इकहत्तर हो चुका है तो क्या होगा दोस्तों पचास हजार इसका करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा पचास हजार से अधिक लोगों को पशुधन योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत रखा गया है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में चर्चा में आए संजय कच्छप को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है ठीक है मन की बात कार्यक्रम में आजकल झारखंड के कोई ना कोई चर्चा हो ही जाता है झारखंड के किसी न किसी का है ना तो इसमें से जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए सभी लोग कि संजय कच्छप को किस नाम से जाना जाता है प्रधानमंत्री खुद इनका नाम लिए थे मन की बात कार्यक्रम में कुछ महीने पहले की बात है अभी लेटेस्ट नहीं है तीन चार पांच महीने पहले की बात है तो इनको जो संजय कच्छप है इनको लाइब्रेरी मैन के नाम से जाना जाता है ठीक है किस नाम से लाइब्रेरी मैन के नाम से इनको जाना जाता है संजय कच्छप को ठीक है दोस्तों गलत जवाब दे रहे हैं बहुत लोग अगला सवाल वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक कौन है वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की एमएलए कौन है बताइए सभी लोग यहां जो चारों नाम दिया हुआ है चारों कांग्रेस की है ठीक है देखिए पहले तो सबसे कम उम्र की जब एम बनी थी तो अंबा प्रसाद बनी थी लेकिन अभी बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ये सबसे कम उम्र की एमएलए है झारखंड सरकार में मतलब झारखंड विधानसभा में ठीक है शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो सबसे कम उम्र की एमएलए है झारखंड विधानसभा के अंदर ठीक है पहले जब जब विधानसभा का चुनाव 2019 में हुआ था उस समय अंबा प्रसाद थी ठीक है लेकिन ये भी उससे कम उम्र की बन गई अगला देखिए झारखंड के किस जिले में जूट मिल खोलने के लिए एमओ यू हुआ है एमओ यू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जूट मिल खोलने के लिए ठीक है जी रिलेक्शन में बनी है शिल्पी नेहा तिरकी कौन सा विधानसभा बताइए शिल्पी नेहा की कौन से विधानसभा से बनी है मांडर विधानसभा ना कौन सा विधानसभा मांडर चलिए इसका आंसर बताइए जूट मिल खोलने के लिए एमओयू हुआ है दोस्तों कहा पाकुड़ जिले में ठीक है पाकुड़ में जूट मिल खोलने के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है पाकुड़ में जूट मिल खोलने के लिए ठीक है चलिए याद रखिएगा सभी लोग अभी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है झारखंड में डिजिटल पुलिसिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है झारखंड में डिजिटल पुलिसिंग यानी दरोगा से लेकर सिपाही तक जितने भी हैं सबका वहां पर अटेंडेंस जो बनता है डिजिटल तरीके से बनता है और डिजिटल पुलिसिंग वाला पहला जिला बन गया है कौन बना है कमेंट कीजिएगा सभी लोग कमेंट कीजिए डिजिटल पुलिसिंग वाला जिला कौन सा बन गया है चलिए वेरी गुड सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए फटाफट कर दीजिए बिल्कुल सही सोचा आपने दोस्तों गुमला जिसका भी आंसर आया उन सभी का बिल्कुल सही है गुमला जो है वो डिजिटल पुलिसिंग वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है ठीक है तो ये चालीस सवाल का सेट था दोस्तों ये मॉडल सेट नंबर टू था आज मॉडल सेट नंबर टू था कितना नंबर आया बताइए चालीस में एक सौ बीस नंबर का क्वेश्चन आज हम करवाए आप लोगों को जेएसएससी के पैटर्न पर आधारित नेगेटिव मार्किंग एक था पॉजिटिव मार्किंग तीन था एक क्वेश्चन में अब आप लोग जो लोग पूरा अटेंड किए हैं बताइए कि आज आप लोग का कितना मार्क्स आया ठीक है और कल भी आप लोग क्या टेस्ट के लिए तैयार हैं जितने लोग कल के टेस्ट के लिए तैयार हैं वो लोग थम्सअप कर दीजिए एक बार एक बार थम्सअप हाथ उठा दीजिए कितने लोग कल भी टेस्ट देना चाहते हैं चालीस में चालीस तैतीस इकतीस तैतीस अड़तीस इकतीस छत्तीस बाईस तीस बाईस वालों को मेहनत करने की जरूरत है अभी तीस तैतीस अड़तीस बत्तीस अट्ठाईस पैतीस चलिए बहुत अच्छा कोशिश में लगे रहिए मेहनत करते रहिए, कल भी टेस्ट दीजिएगा ना आप लोग अ लो कल आप लोग देखिए कल आप लोग को बता दे रहे कल चार सौ प्लस लाइव आना चाहिए है ना कल 400 प्लस लाइफ की संख्या बढ़ाइए कल और बेहतरीन सवाल आप लोग के बीच लेकर आते हैं है ना डिजिटल पुलिसिंग बताए तो वहां पे सब थाना में जो है डिजिटल तरीके से सारा काम होता है वही हो गया डिजिटल पुलिसिंग तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक like कीजिएगा चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा इसका पीडीएफ आंसर के साथ आप लोग को दे देंगे कल टेलीग्राम चैनल पे ठीक है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड दिन में हो जाता है आज का पीडीएफ कल होता है करेक्शन वगैरह करके तो आप लोग जो है आप लोग कल टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नहीं ज्वाइन किए पर आपको मिल जाएगा बाकी जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ठीक है हमारे साथ झारखंड जीके कोर्स में जुड़ सकते हैं मात्र नौ सौ निन्यानवे में जहां पर हम पूरा झारखंड जीके जेपीएससी और जेएस एग्जाम कंप्लीट सिलेबस कवर करके आप लोग को पीडीएफ नोट्स वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस सारे हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं और चाहे कोई सा भी बैच आप ज्वाइन कीजिए सीजीएल ज्वाइन कीजिए जेपीएससी ज्वाइन कीजिए उसमें भी आपको झारखंड जीके का सेम कंटेंट मिलेगा जो हम झारखंड जीके के कोर्स में देते हैं ठीक है बाकी सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस और भी अवेलेबल है हिंदी का भी पेपर अवेलेबल है हिंदी चल रहा है हिमांशु कुमार कल भी तो आपके प्रश्नों का जवाब दिए थे हिंदी सीजीएल का बैच बन चुका है उसमें क्लासेस चल रहे हैं है ना पीजीटी टीजीटी लैब असिस्टेंट सब क्लासेस चल रहा है उसके अलावा आप सभी सीजीएल एलडीसी एक्साइज कांस्टेबल है ना जेपीएससी प्रीलिम्स मेंस खोटा नागपुरी हिंदी कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं सर्विस का जो फॉर्म भरे हैं है ना वो लोग लो के लिए भी कोर्स अवेलेबल है पीजीटी के लिए है लेब असिस्टेंट के लिए है 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 ना मैथ्स का भी कोर्स सब्जेक्ट अवेलेबल कंप्यूटर का भी कोर्स अवेलेबल है साइंस केवल साइंस अगर आप चाहते हैं केवल साइंस पढ़ने का तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी कोर्स अवेलेबल है ठीक है तो चलिए दोस्तों आप लोग जिनको भी इंटरेस्ट होगा कोर्स के रिगार्डिंग आप इसमें जानकारी ले सकते हैं इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी है ना और आप लोग झारखंड एसआई झारखंड दरोगा की भी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके तो इस नंबर पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से वहां से आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं परचेज कर सकते हैं ठीक है हमारी टॉपिक वाइज फ्री वीडियो टॉपिक वाइज एमसी की फ्री वीडियो विथ पी अपलोडेड है करियर फाउंडेशन ऐप में आप लोग जाइए वहां पे पूरा चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू मैंने करवाया है वो फ्री वीडियो पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा करियर फाउंडेशन ऐप में फ्री वीडियो सेक्शन में 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 वहां मिल मिल जाएगा जाएगा बजट का का लेक्चर आर्थिक जो टॉपिक है है ये सब भी आपको ऐप ठीक है? फ्री में बिल्कुल तो चलिए सबसे ज्यादा फ्री भी हम लोग करवाते हैं और पेड भी हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास रहता है हमारा कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं हमारा एक ही मकसद है आपका सिलेक्शन ठीक है तो आपके सिलेक्शन के लिए हम और हमारी टीम पूरा काम कर रहे हैं आप लोग मेहनत कीजिए सिलेक्शन तो आप लीजिएगा हमारा थोड़ा बहुत उसमें रोल होगा गाइडेंस होगा है ना स्टूडेंट का खुद का मेहनत ज्यादा होता है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही गुड नाइट सभी को रात्रि हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करते रहिए ठीक है हमेशा सकारात्मक सोचिए जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनका दिमाग भी सकारात्मक डायरेक्शन में काम करता है और उनके सफलता की जो संभावना है वो ज्यादा होती है ठीक है तो हमेशा पॉजिटिव रहिए हर समय पॉजिटिव रहिए हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास कीजिए जो हो रहा है बेहतर हो रहा है आपको चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को बेटर करने के और आप लोग मेहनत करते जाइए और निश्चित तौर पर आपका एक दिन होगा आपका दिन बदलेगा और एक दिन आपका अच्छा होगा ठीक है दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को हम विराम देते हैं आप सभी को गुड नाइट जनरल साइंस का क्या करें पढ़ाई कीजिए जनरल साइंस का करना क्या है सभी को गुड नाइट सभी को रात्रि शुभरात्रि खैर सभी को जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो मिल जाए आप लोग को टाइम टू टाइम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा वहां पे पीडीएफ में उपलब्ध होता है ठीक है चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने टाइम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद